हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिविल हाउस डिज़ाइन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री स्टोरी हाउस के लिए प्लिंथ बीम का साइज और रेनफोर्समेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लिंथ बीम को किस हाइट पर देना चाहिए। प्लिंथ बीम को ग्राउंड लेवल से 2 से 3 फीट की हाइट पर दिया जा सकता है। कहीं कहीं पर प्लिंथ बीम को ग्राउंड लेवल पर भी दिया जाता है। थ्री स्टोरी हाउस के लिए जो प्लिंथ बीम का साइज होता है वो 9 इंच बाई 12 इंच का दिया जाता है। इसमें रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो जो मेन रेनफोर्समेंट है इसके लिए टॉप में 2 सरिया दिया जाता है 12 mm का और बॉटम में 3 सरिया दिया जाता है 16 mm का। कहीं कहीं पर बॉटम में भी 12 mm का ही 3 सरिया दिया जाता है। तो इस तरह से टोटल मेन रेनफोर्समेंट के लिए 5 सरिया हो जाता है। और इसकी स्ट्रिप्स की बात करें तो इसमें जो स्ट्रिप दिया जाता है उसका डाया 8 mm का होता है, जिसकी स्पेसिंग 6 इंच रखी जाती है, यानी कि 150 mm। स्ट्रिप्स की यह स्पेसिंग बीम के मिड सेक्शन में और सपोर्ट के पास अलग अलग होता है, यानी कि हम सपोर्ट के पास ये स्पेसिंग कम रखते हैं और मिड में ये स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीम के बीच के भाग पर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आता है और सपोर्ट के पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है। इस बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग ही ये जो एक्स्ट्रा बॉटम बार दिख रहा है इस बार को सपोर्ट के पास ऊपर की ओर बैंड कर दिया जाता है, जिससे कि ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को बियर करता है। इसके बारे में और डिटेल में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।